हमने कल एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेद के बारे में किया था। ओके, इसमें एक चीज रह गई थी, ऋग्वेदिक गॉड्स जो थे जैसे उस समय के जो गॉड्स थे वो थे इंद्र, अदिति, उषा। ओके, ये सारी गॉडेसेस थी, वरुण, मित्र, ऐसे अलग अलग गॉड्स थे जिनका जिन हु वर वेनरेटेड। और अभी उनके बारे में तुम कभी सुनोगे भी नहीं। तुमने कोई अदिति नाम की गॉडेस सुनी है या उषा नाम की गॉडेस की मक्का मंदिर देखा? नहीं देखा, क्योंकि अभी दूसरी है। अभी लक्ष्मी का मंदिर होता है, दुर्गा का मंदिर होता है, दुर्गा पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, इनका नहीं होता। सो इन हिंदू रिलीजन ऑल दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव अंडरगॉन मेटामॉर्फोसिस, जिसमें ये सारी प्रैक्टिसेस चेंज होती है ना। ये एक लॉन्ग पीरियड में चेंज होती है, इसलिए वो तो हमको अपने एक प्रेजेंट लाइफ टाइम में दिखती नहीं है। ये काफी स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होती है। मे बी आफ्टर 200-300 ईयर्स ऑल टूगेदर न्यू गॉड्स एंड गॉडेसेस वुड बी वर्शिप। ठीक है, फिर अब हम आते हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द लेटर वैदिक फेज। नाउ दिस इज ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। तो लेटर वैदिक फेज अब इफेक्टिवली शुरू होता है 10th century BC से। सॉरी 1000 BC से। तो 1000 BC से लेके तो अराउंड 500 BC तक, 500 साल का जो पीरियड है वो लेटर वैदिक फेज के इसमें जाना जाता है। और उसके बाद फिर आता है एज ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे रिलीजन्स इंडिया में आए और उसकी वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कई सारे चेंजेस देखने को मिले। अब लेटर वैदिक फेज में फिर ये जो बाकी के वेद है इनकी कंपोजिशन हुई। जैसे पहले तो सिर्फ ऋग्वेद था, फिर उसके बाद नए वेद आए जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी कई टेक्स, सेक्रेट टेक्स आए जैसे ब्राह्मणास, अरण्यक्स भी थे पहले से ही। ऑलराइट, फिर उपनिषद और गीता। तो उपनिषद तो काफी लेटर फेज में आया, लाइक उपनिषद केम इन अराउंड 500 to 600 BC, यानी बुद्धा के टाइम पे। ऑलमोस्ट यू कैन कोइंसाइड द राइज ऑफ उपनिषद विद द एज ऑफ बुद्धा। तो ये जो वेद है, ये बाकी के वेद जो है, ये सब क्या है? ये बेसिकली सी नाउ इट इज ऋग्वेद जो है उसमें 1028 हाइम्स है और वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखी गई है। लेकिन उसको मंत्र के फॉर्म में उच्चारण कैसे करेंगे? ओके, तो वो लिखा है सामवेद में। ओके, सो इसलिए उसको सामवेद संहिता बोलते हैं। और उसमें बेसिकली उनको रिसाइट कैसे करना है एक पोएम की फॉर्म में, यानी जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके में पढ़े जाते हैं, तो वो उसका तरीका सामवेद में लिखा है। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद में ये सारे मंत्र उच्चारण तो है ही, लेकिन उनको फिर रिचुअल्स में कन्वर्ट किया गया। रिचुअल्स यानी फिर अब जैसे बर्थ के टाइम का अलग रिचुअल होगा, यानी अलग टाइप के मंत्र होंगे, डेथ के अलग होंगे, शादी के अलग मंत्र होंगे और अलग अलग ओकेजन्स के अलग अलग मंत्र होंगे। तो ये सारी चीजें लिखी गई है यजुर्वेद में। फिर ऐसे ही एक अथर्ववेद, अथर्ववेद में देर आर चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ द इविल एंड डिजीजेस, तो यानी बुराइयां हटाने के लिए, जैसे बीमारियां हटाने के लिए या और भी कई चीजें जो होती है, यानी बोलते हैं जैसे अपशगुन होना, यानी इन सारी चीजों को हटाने के लिए जो कुछ मंत्र है वो अथर्ववेद में लिखे गए। अब अथर्ववेद में जो मंत्र लिखे गए उनमें जो नेटिव्स, अब ये सब तो आर्यंस ने किया था, तो यहाँ के जो नेटिव्स है उनका भी इन्फ्लुएंस है, उनके जो कल्चर का और उनके जो मतलब जैसे यहाँ पे एक ओरिजिनली झाड़ फूक कल्चर होता था, वो अभी भी रहता है, कई तांत्रिक लोग गाँव गाँव में वो सब परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीजें और वेदों को का इंटीग्रेशन समझ लो अथर्ववेद। ओके, देन देयर आर ब्राह्मणास व्हिच कंटेन द रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ ऑल द रिचुअल्स, ये एक अलग टेक्स्ट है। और उपनिषद फिर फाइनली जो है वो
उसको वेदांत भी बोलते हैं, यानी उसको वेदों का अंत बोलते हैं। तो उपनिषद आर एक्चुअली क्वाइट रैशनल इन आउटलुक, और वो काफी एक नया तरीका सोचने का प्रमोट करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट करते हैं। ओके, सो अपने इनफैक्ट कई सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे हिंदू रिलीजन, इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद, दे ऑल एडवोकेटेड गोइंग बैक टू द उपनिषद, नॉट वेदास। तो क्यों? क्योंकि उपनिषद आर रैशनल, हैव अ रैशनल आउटलुक, दैट इज दे हैव दे इनकल्केट लॉजिकल थिंकिंग। ओके, नाउ इट वॉज इन द लेटर वैदिक फेज दैट दिस महाभारत जो है इसका इसकी शुरुआत हुई, इसको लिखने की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत अराउंड 1000 BC के आसपास हुई, 10th century BC। तो इसमें देर वॉज अ बैटल बिटवीन टू क्लैंस, नाउ हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब एंड देवर ब्लड रिलेटेड ऑल्सो। तो कौरव और पांडव जिनको बोलते, तो वो देवर कुरुज एंड पुरुज, ऐसे दो क्लैंस थे, और उनके बीच का एक बैटल हुआ था। अब वो बैटल को महाभारत पढ़ने के बाद जितना इलेबोरेट लगता, वो इतना भी इलेबोरेट बैटल नहीं था, वो एक नॉर्मल सा बैटल हुआ होगा। और फिर उस पर एक उसको एक्चुअली लिखना उसके बारे में लिखना शुरू हुआ। तो वो लिखा, उसके बारे में जो लिखा गया है वो कोई वन ऑफ राइटिंग नहीं था, किसी एक ऑथर ने नहीं लिखा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीट होती गई, ऐड होती गई, इनफैक्ट ऐड ही जाता होती गई, और फिर उसमें कई सारे स्टोरीज, सब स्टोरीज एंड ये सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे ऐड होती गई। एंड वो उसका फाइनल कंपोजिशन 4th century AD में हुआ, यानी ऑलमोस्ट 1400 साल लग गए उसको फाइनली कंपोज करने में। तो आज की डेट में जो हम महाभारत पढ़ते हैं या देखते हैं, उसका ओवरऑल कंपोजिशन होने में 1400 साल लगे। ओके, देन देयर वर सम अदर किंगडम्स इन दैट एज, पंचाला किंगडम, और फिर इनके आपस में मिलके इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। ओके, अब ये सब हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल, वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा यमुना द्वीप, यानी उस एरिया में जो लोग बसे थे उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पहले की जो सोसाइटी और उस समय का जो इकोनॉमी थी, दैट वॉज प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर। अब ऋग्वेदिक पीरियड में इट वॉज बेसिकली पैस्टोरल इकोनॉमी। पैस्टोरल इकोनॉमी मतलब जिसमें एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व होती है, दैट इज गाय को पाला जाता है, एंड और गाय को गाय से एसोसिएटेड कई सारे वर्ड्स भी उसमें मैंशनड है ऋग्वेदों में। सो द एंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड द काउज, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ काउज, और फिर मिल्क प्रोडक्शन, और इनफैक्ट किसी की रिचनेस, उसके पास कितनी गाय है उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती थी। तो उस समय प्रॉपर्टी यानी लैंड वाज नॉट अ प्रोपोजिशन, यानी इट वाज नॉट अ सोर्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि उस समय लैंड की कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं होता था, एग्रीकल्चर होता था बट नॉट इन अ मास स्केल। नाउ इट वॉज ओनली इन द 10th century BC onwards, agricultural activities शुरू हुई, और settled agriculture शुरू होने की वजह से धीरे धीरे kingdoms बनने शुरू हुए, और kingdoms फिर आगे चल के बुद्धा के time पे वगैरह, मतलब around 5th century BC यानी 500 BC के आसपास ये सारे जो किंगडम्स है ये एम्पायर्स में कन्वर्ट हुए, और उसमें जो सबसे पहले जो मेजर एम्पायर इंडिया में आया, दैट वाज द मगध एम्पायर। ओके, तो अब उस समय की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी थोड़ी चेंज हो गई थी, बिकॉज ये जो पहले की असेंबलीज थी, विधाता यानी ये जो हमने पहले जो असेंबलीज के बारे में बात किया था जिसमें विमेन भी अलाउड रहती थी, वो सारी अभी खत्म होनी शुरू हुई। विधाता कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, एंड सभा एंड समिति नाम की जो असेंबलीज थी वो कंटिन्यू हुई, लेकिन इसमें फिर औरतों का जो रोल है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर और ये बढ़ता गया, तो वो धीरे धीरे, मतलब इट वॉज स्टिल वेरी ओपन, बट सिंस द गुप्ता पीरियड द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्चुअली डिटेरियरेटेड इन ड्रास्टिक वे इन इंडिया। और फिर बाद में वो जो विमेन का स्टेटस
ऊपर आना शुरू हुआ वो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके राइट उससे एसोसिएटेड राइट्स जो है तब से हुआ है. ओके, तो नाउ राजा बिकेम चीफ वॉज स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज राजा और राजन. ओके, एंड देन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसमें फोर वर्नास गॉट प्रीडोमिनेंट, दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ये चार वर्णों का ये नाम है. मतलब इनका प्रभाव बढ़ना ज्यादा शुरू हुआ लेटर वैदिक फेज में. ऋग्वेदिक फेज में जो पुरुष सूक्त हाइम है, दसवें मंडल में ये हाइम है, उसमें उसका सिर्फ मेंशन है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस इट मेजरली स्टार्टेड इन द लेटर वैदिक फेज. ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा कई सारे डिविजन्स, आश्रमास, द गोत्र और ये सारी चीजें लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुई. ठीक है, अब नाउ गॉड्स एंड गॉडेसेस जो थे वो भी they went under and they had undergone a change. तो अभी ब्रह्मा का जो है, तो इसमें पहली बात तो जो ऋग्वेदिक गॉड्स थे जैसे इंद्र और अग्नि, नाउ दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस इन लेटर वैदिक फेज. और इसमें प्रजापति यानी ब्रह्मा, दैट हु इज द क्रिएटर, जो हिंदूज के हिसाब से जो ट्रायोलॉजी होती ब्रह्मा विष्णु विनय महेश, तो वो कैसा है, क्रिएटर प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर. तो इसमें शिव का भी ज्यादा ये नहीं आया, लेकिन क्रिएटर दैट इज हु क्रिएटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द यूनिवर्स द अर्थ, उसकी भी जो कल्पनाएं शुरू हुई वो लेटर वैदिक फेज में शुरू हुई. एंड इन दिस इट वॉज दिस पीरियड इन विच साइंस ऑफ आइडोलेट्री आर फाउंड. आइडोलेट्री मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा. लेकिन मूर्ति की जो पूजा होती थी उस समय की मूर्तियां वैसी नहीं थी जो आज की डेट में हमको देखने को मिलती है. इनफैक्ट इंडिया डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग एंथ्रोमॉर्फिक स्टैचूज. एंथ्रोमॉर्फिक स्टैचूज मतलब जो ह्यूमन बींग्स जैसी दिखने वाली स्टैचूज होती है, वो आर्ट ही इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था. तो किसी भी पत्थर को या उसको थोड़ा बहुत कार्विंग करके, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कार्विंग से तुम उसको पर्टिकुलर गॉड का नाम दो और उसकी पूजा करो. ये सब शुरुआत हुआ था, ये कोई मेजर प्रैक्टिस करके इवॉल्व नहीं हुई थी. यानी टेंपल्स और उससे एसोसिएटेड ये सब के घरों में वो मूर्तियां है वैसा वो सब शुरू नहीं हुआ था. हिंदुइज्म प्रेडोमिनेंटली रिलाइड ऑन यज्ञास ओनली इन दिस पीरियड ऑल्सो, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत हो गई थी. और एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ आइडल्स जो है वो एक्चुअली बनने शुरू हुए थे ग्रीक इन्फ्लुएंस आने के बाद. यानी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो आया था वो इंडो ग्रीक स्कूल है आर्ट का, मथुरा स्कूल. तो वहां से ह्यूमन बींग्स की तरह दिखने वाली मूर्तियां को बनाना शुरू किया गया. और इनफैक्ट सबसे पहली जो मूर्तियां मेजर स्केल में बनी थी वो बुद्धा की थी, किसी गॉड की नहीं. फिर बाद में अ पर्टिकुलर स्टैच्यू वॉज कार्व्ड एंड इट वॉज कॉल्ड ये कृष्णा की मूर्ति है, फिर ये इस भगवान की मूर्ति है, ऐसे ऐसे करके वो शुरू हुआ. ओके, और फिर नए गॉड्स आए. अब जैसे रुद्र एक गॉड ऑफ एनिमल्स वो इम्पोर्टेंट बन गया. देन विष्णु भी के विष्णु का के बारे में जो कल्पना थी वो शुरुआत उसकी शुरुआत हुई. ठीक है, पुषाण करके एक गॉड था, वो सपोज टू बी द गॉड ऑफ कैटल्स. और पुषाण गॉड वॉज एसोसिएटेड विद द लोअर वर्नास, जैसे कि शूद्रों का गॉड था. ओके, तो इस तरह से लेटर वैदिक फेज का ये था सेटिंग था. उसको डिटेल में आगे करेंगे. एंड देन कम्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो अब पहली बात तो ये है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो उनकी शुरुआत क्यों हुई थी, उसके दो मेजर रीजंस थे. एक इकोनॉमिक रीजन था और एक वर्चस्व की लड़ाई थी. वर्चस्व की लड़ाई का मतलब ये था कि सिंस ऋग्वेदिक फेज द प्रीस्टली क्लास जो था, यानी दैट इज द ब्राह्मिन्स, उनका एक समाज में एक वर्चस्व बनना शुरू हो गया था. एंड दिस वॉज फ्राउंड अपॉन बाय द क्षत्रियाज. यानी तो क्षत्रियो को अपना एक एसर्शन करना बहुत जरूरी था, तो उसके लिए ब्राह्मणों का वर्चस्व कम करने की जरूरत थी. और
एक ये रीजन था, और दूसरा ये था कि ये जो जितनी भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड ये सारे थे, इसमें बहुत सारा कैटल सेक्रीफाइस होता था, यानी एक्चुअली गायों को काटा जाता था, और इनफैक्ट बीफ वॉज कॉमनली कंज्यूम्ड इन एंशंट इंडिया. सो ये सब रोकने के लिए कई सारे हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स बनने शुरू हुए. ऐसे 64 सेक्ट्स थे, उसमें से दो जो है विच वर लेड बाय, वन लेड बाय महावीर एंड अदर लेड बाय बुद्धा, ये ज़्यादा पॉपुलर हुए, और लेकिन ऐसे कई सारे थे. तो अब ये सारे जो सेक्ट्स थे, इनके लीडर्स और अर्लियर इनके जो फॉलोअर्स थे वो मेजरली क्षत्रियाज ही थे. नाउ बुद्धा एंड महावीर बोथ बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज, ठीक है. तो अब इन लोगों ने इसकी शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हुआ. इनफैक्ट बुद्धिज्म तो इतना पॉपुलर हो गया था कि एक टाइम ऐसा था, स्पेशली अशोक के टाइम पे, द एंटायर कंट्री हैड बिकम बुद्धिस्ट. नॉट ओनली दिस इंडियन, ये पूरा मतलब पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का भी एरिया उसके स्वीप में आ गया था. सो दिस एंटायर एरिया वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा. और उसके बाद भी कई सारी डायनेस्टीज बुद्धिस्ट रही है, और फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म का यहाँ पर विनाश होना शुरू हुआ. तो उसके क्या कॉजेस थे और ये क्या थे वो अभी नहीं करेंगे, वी विल डू इट लेटर, दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन. सिमिलरली देयर वाज जैनिज्म. नाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बेसिकली एडवोकेटेड सिमिलर थिंग्स, लेकिन जैनिज्म को एम्ब्रेस करने वाले लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, एंड दैट वॉज द ट्रेडिंग कम्युनिटी. नाउ सी ट्रेडर्स जो थे, इनको एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ पहले कैसा था, नाउ सी एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, तो किसान एक अलग कम्युनिटी होगी जो अनाज उगाएंगे, ठीक है. लेकिन उसको एक्चुअली मार्केट में पहुंचाना और दुकानों में बेचना, ये करने वाले दूसरे लोग थे. वो अभी भी वैसा ही होता है, किसान थोड़ी ना अपना अनाज दुकानों में जाके या सब्जी मंडी में जाके सब्जियाँ बेचता है, वो करने वाले तो बीच के लोग रहते हैं. सो दिस ये जो बीच के लोग है, मिडलमैन जिनको बोलते हैं, दे आर बेसिकली द ट्रेडर्स. अब ट्रेडर्स को कैसा हुआ, बाय ट्रेडिंग इनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होती गई, स्पेशली जो वैश्य कम्युनिटी थी, यानी जो जिनको हम आज के टाइम बनिया कम्युनिटी बोलते हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे अच्छी होती गई. पहले ये भी शूद्रों के ही इक्विवेलेंट थे. नाउ दे वॉन्टेड एन असर्शन, यानी दे ऑल्सो डिड नॉट लाइक द ब्राह्मणिकल सुप्रीमसी ऑन सोसाइटी, क्योंकि नाउ देवर इकोनॉमिकली प्रॉस्परस. तो इनको भी एक एवेन्यू चाहिए था जिससे वो इस इन्फ्लुएंस से हटे. तो दैट एवेन्यू वॉज प्रोवाइडेड बाई जैनिज्म. तो जैनिज्म में बेसिकली जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने जैनिज्म एम्ब्रेस किया, और आज की भी डेट में मतलब जैन्स इन इंडिया इज नॉट वन ऑफ द, आई थिंक इट इज द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन इंडिया. सो मेजोरिटी ऑफ द जैन्स आर इन टू बिजनेस, ठीक है. इंडिया के अभी भी बड़े बड़े बिजनेसेस और सारी ट्रेडिंग्स, और ये एक तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, हार्डली 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, लेकिन इन टर्म्स एब्सोल्यूट नंबर्स वो भी करोड़ों में ही आ जाएगी, 1-1.5% भी अगर होगी तो. लेकिन ऐसे वो कोई भी जैन तुमको गरीब नहीं दिखेगा, ओके. तो ये वही है, एंशियंट टाइम्स से जैन कम्युनिटी जो है वो ट्रेडर्स की कम्युनिटी रही है, एंड दे मेंटेन्ड दैट, एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज स्टिल सर्वाइविंग. तो ऑस्ट्रेल जो शुरुआत के पुराने जो बुद्धिस्ट थे वो कहाँ गायब हुए किसी को नहीं पता. इनफैक्ट वो गायब नहीं हुए, वो कन्वर्ट हो गए इनटू हिंदुइज्म, यानी बेसिकली हिंदुइज्म रिसरेक्टेड इटसेल्फ. जो हिंदुइज्म का प्रभाव खत्म हो गया था धीरे धीरे, वो फिर धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हुआ, और अब वो उसके क्या रीजन है वो अलग बात है, वो आगे करेंगे व्हेन वी विल डू दिस चैप्टर. ओके, देन फिर आता है इसी के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टाइम था, ये एक टाइम इसके साथ कोइंसाइड होता है, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगध एम्पायर. तो ये उस समय के कई सारे नए अब एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से, और एक और रीजन था कि ये जो बिहार और इसका यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी आयरन माइंस है, अभी भी है, ओके. तो बिकॉज नो वंडर टाटा स्टील जमशेदपुर में कब से बना हुआ है, 100 साल से ज़्यादा हो गए उसमें, उसको बने हुए.
So Tatas are basically from Bombay, but why did Jamshedji Tata start the TISCO, यानी Tata Steel की जो company है, वो जमशेदपुर में क्यों बनाई? तो वो इसीलिए क्योंकि वो area it's rich in iron ore, okay? और iron होने की वजह से कई सारे tools, equipment और even plowshare, plow जो होता है, जिसे खेती करते, तो खेती की efficiency बढ़ी. फिर वेपन्स के लिए तुम्हारे पास आयरन अवेलेबल था, कंस्ट्रक्शन के लिए आयरन अवेलेबल था, तो इस वजह से इन एरियाज में और प्लस इन एरियाज का क्लाइमेट और लैंड दोनों सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ. तो इस वजह से यही एरिया है जहाँ पे कई सारे किंगडम्स, यूपी, बिहार और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पे कई सारे छोटे मोटे किंगडम्स आने शुरू हुए. वो छोटे मोटे नहीं थे, वो अच्छे खासे बड़े ही थे. तो अब जैसे उसमें कुछ अगर हम नाम ले, तो जैसे उसमें था अंग एक किंगडम था, लच्छवी किंगडम, कौशिक वत्स, कपिल वस्तु, अवंती नॉर्थ था, अवंती साउथ, देन कोशी सॉरी काशी, और इनकी अलग अलग कैपिटल्स थी. लेकिन इसमें से एक किंगडम था जो वो था मगध, जिसकी कैपिटल राजगीर में थी, जिसने धीरे धीरे करके बाकी सब किंगडम्स को कैप्चर किया और अपना वो स्कोप बढ़ाया. तो एंटायर नॉर्दर्न इंडिया वॉज केम अंडर द मगध एम्पायर. ओके, तो मगध एम्पायर वॉज स्टार्टेड बाय द हरियंक डायनेस्टी, जिसका बिंबिसार एक फर्स्ट किंग था. देन हरियंक डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय द शिशुनागास, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्याज, ठीक है, फिर मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड फाइनली. एंड नॉर्थ में फिर शुंगा डायनेस्टी आई, उसके बाद नॉर्थ में कनव डायनेस्टी आई, फिर साउथ में मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी एक टाइम पे मतलब अशोक और उसके बाद स्पेशली पूरे इंडिया पे उसने राज किया, और फिर धीरे धीरे वो डायनेस्टी का अंत होना शुरू हुआ. एंड दैट वाज रिप्लेस्ड इन द नॉर्थ बाय शुंगास, फिर उसके बाद कनव डायनेस्टी. एंड नाउ शुंगा डायनेस्टी एंड कनव डायनेस्टी बोथ वर ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन रूलर्स. देन सिमिलरली साउथ इंडिया में सत्वाहनाज आए, और फिर आंध्राज आए, इश्वाकूज, और इस तरह से आगे का चलता रहा. ओके, नाउ इन द मीन टाइम इसमें एक फिर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदाज, नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदाज, बेसिकली यू कैन से एट द टाइम ऑफ बुद्धा ओनली, या उससे भी थोड़ा सा पहले, यहाँ पर पहली बार फॉरेनर्स ने इन्वेट करना शुरू किया. तो पहले एक ईरानियन इन्वेजन हुआ था, was under the Achaemenian rulers of Iran, जिसका Darius करके एक king था. उन्होंने अपना empire Iran का expand करना शुरू किया, so they had almost entered the doors of India. तो यानी present day Pakistan भी इनफैक्ट उस empire, और इंडिया, नॉर्थ इंडिया के भी कई parts उस empire का part बन गए. फिर the same Achaemenian dynasty was defeated by Alexander, जो ग्रीस से निकला था इधर के areas को capture करने के लिए. तो उसने इस एम्पायर को कैप्चर किया, और एंड ही इवेंचुअली रीच द डोर्स ऑफ इंडिया. तो अब उस समय यहाँ पे नंदा डायनेस्टी का राज था, और इन एलेक्जेंडर को जो इनपुट्स मिले थे, तो उसके हिसाब से हिज आर्मी वुड नॉट हैव डिफीटेड द नंदाज, क्योंकि नंदा आर्मी के पास उस जमाने में 6,000 हाथी, देन 6,00,000 लोगों की कैबल फौज, और 40,000 घुड़सवारों की कैवलरी की फौज, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी. सो ही डिड नॉट डेयर एंटर इंडिया. सो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहीं पर वहां तक ही उसने अपना वो सीमित रखा. एंड देन ही रिटर्न बैक, एंड ही वेंट बैक टूवर्ड्स इजिप्ट. इजिप्ट में अलेक्जेंडर की फाइनली डेथ हुई. सो ही डाइड एट अ वेरी यंग एज इनफैक्ट. तो ये एक अलेक्जेंडर का इन्वेजन उस समय हुआ था, लेकिन उसका इन्वेजन का तो एक बात हो गई, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी वजह से एक इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद यूरोप शुरू हुआ. तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट, जब भी इस टाइप का कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टैक्ट भी होता है. सो मेनी कल्चरल एलिमेंट्स वर एक्सचेंज्ड बिटवीन बोथ द सिविलाइज, इधर के और इधर के उधर के लोगों में. इकोनॉमी स्टार्टेड, सम ट्रेड रूट स्टार्टेड, और सेटलमेंट स्टार्टेड. तो इस टाइप से उस कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग टाइप का इफेक्ट रहा इंडियन सोसाइटी पे.
और फिर वो हर इसमें रहा है, वो फिर फिलोसॉफी में रहा है, स्कल्पटिंग में रहा है, और कुजींस में, पहनावे में, ओके बहुत सारी चीजों उसका फर्क पड़ा. ओके देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रूरल एक्सपेंशन इन द पेनिनसुला. अब हमने जैसे ये जो बात की, ये हम ज्यादातर अभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं सॉरी नाउ वी हैव टू ये एक मिनट, ये एज ऑफ बुद्धास पे हम आना है. नाउ ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन के बाद वी कम टू द एज ऑफ बुद्धा. तो एज ऑफ बुद्धा है ना, वही जिसके बारे में हमने बात की कि उसके टाइम पे जो नई इकोनॉमी और ये सारी शुरू हुई, बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पे था हर चीज में. इनफैक्ट मेनी किंगडम्स, मेनी किंग्स एम्ब्रेस बुद्धिज्म, उसकी वजह से वहाँ की प्रजा ने भी बुद्धिज्म ले लिया था. एंड मेनी बिग किंग्स एंड एम्पायर्स, एम्परर्स बिकेम डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो अब जब मगध एम्पायर शुरू हो गया, मौर्य डायनेस्टी आई, तो मौर्यन एज जो था वो सबसे ग्लोरियस एज था, ईरा था मगध डायनेस्टी का. और उन्होंने, उनका जो मेन किंग था वो अशोक था. मौर्यन डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, हु वॉज सक्सीडेड बाय अशोक. ठीक है, एंड फिर उसके बाद, उसके अशोक के बाद भी कई सारे उसके सक्सेसर थे, लेकिन वो अशोक जितने पावरफुल नहीं थे. तो अशोक सबसे पावरफुल किंग रहा है इंडिया का, फर्स्ट जिसने पूरे इंडिया पे राज किया है. ऐसे तीन ही लोग रहे, ऐसा चार बार हुआ है इंडिया में जिन्होंने इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे राज किया है. यानी लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ा राज, सबसे बड़े एरिया पे इंडिया में अगर राज किसी ने किया तो वो ब्रिटिश ने किया. सो अशोक का राज था, फिर समुद्रगुप्त का और औरंगजेब का, इन्होंने पहले भी बताया था. ओके नाउ अशोक एम्ब्रेस बुद्धिज्म इन, एंड अशोक हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज हिस्ट्री. तो उसका उसका रीजन ये है कि इट वाज हिम हु बेसिकली मेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी जो हम इंडिया की कल्पना करते हैं, एक एक इतना बड़ा जो पार्ट इंडिया है, वो उसका आइडिया, यानी वरना तो इंडिया में भी कई सारी कंट्रीज हो सकती थी ना देखा जाए तो. सी प्रेजेंटली भी इंडिया में कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है. तो जैसे महाराष्ट्र एक कंट्री हो सकता था, तमिलनाडु एक कंट्री हो सकता था. ये तो इन सबको बांधने के लिए जो एक सूत्र है वो यहाँ का कल्चर है, सिमिलर कल्चर. ओके, और उसमें हिंदुइज्म का रोल है. तो इसी वजह से इंडिया एक यूनाइटेड वे में, अगर मान लो यहाँ ब्रिटिश नहीं आते तो भी शायद आज की डेट में जिस इंडिया में हम रह रहे हैं वो इंडिया नहीं रह पाता. बिकॉज व्हेन ब्रिटिश केम, इट वाज नॉट वन एंटायर वन कंट्री अंडर वन रूलर जो चलता रहता था, तो वैसा भी नहीं था. बिकॉज मुगल इन्फ्लुएंस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और बहुत सारे नए डायनेस्टीज और किंगडम्स आ गए थे इधर. मराठास ने रूल काफी बड़े पार्ट में करना शुरू किया था, बंगाल साइड में दूसरे रूलर्स थे, आसाम साइड में अलग रूलर्स थे, साउथ इंडिया में अलग थे. सो पॉइंट इज, यहाँ पर जिन लोगों ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इंडिया का किया, उसी की बदौलत आज की डेट में हम एक प्रेजेंट डे इंडिया देख पा रहे हैं. ओके देन कम्स द सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स. नाउ दिस सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स जो है, ये कौन से कॉन्टैक्ट्स है? ये वो है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में अभी 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 हमने किया था. दैट इज ये जो आज की डेट में जो ये कंट्रीज है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर जो कंट्रीज है, ठीक है, चाइना की नेबरिंग. तो यहाँ से कई सारे रूलर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया पे राज किया. तो उसमें से प्रिडोमिनेंट जो थे वो थे शाकाज, कुशंस, हुंस. हुंस तो खैर बाद में आए, उससे पहले एक इंडो बैक्ट्रियन किंगडम आया, ठीक है, ये जिनको इंडो ग्रीक्स बोलते थे. और फिर शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए, जो ये पार्थियंस ईरान के रूलर्स थे. और उसके बाद कुशंस आए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा
एरिया पे इंडिया में राज किया। इनफैक्ट कुशन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, यानी विच कंटेंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नॉर्थ एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया छोड़ दिया जाए तो पूरा नॉर्थ इंडिया, फिर उधर इंडिया पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और ये जो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो उधर उस साइड से लेके एक बहुत बड़ा एम्पायर था। और उसका सबसे फेमस और जो किंग था दैट वाज कनिष्क, एंड कनिष्क हैड आल्सो एम्प्रेस्ड बुद्धिज्म। तो इनफैक्ट जो उसकी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कश्मीर में हुई थी वो कनिष्क ने ही करवाई थी, एक उसमें से अशोक ने कराई। चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कश्मीर में हुई थी और वो कनिष्क ने ही करवाई थी। एंड उसमें बेसिकली बुद्धिज्म हैड आल्सो स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। सो व्हाट आर दे, ये बाद में करेंगे। अब ये क्यों जीत पाए, बिकॉज इनके कई सारे इनके पास एडवांटेजेस थे। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज था दैट वाज अ सुपीरियर कैवलरी। कैवलरी का मतलब हॉर्स ड्रॉन सोल्जर्स, हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स, ठीक है। तो एंड देन देवर सुपीरियर आर्चरी की टेक्निक्स थी प्लस अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और बाकी सब की वजह से ये इंडी यहाँ के जो उस समय के रूलर्स थे उनको बहुत इजीली हरा पाए और इतना बड़ा एम्पायर वो बना। अब इसकी वजह से भी इंडिया में के कल्चर और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो फिर वो हर फील्ड में आए, फिर वो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर हो, रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो, पॉलिटी हो, ठीक है। अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सत्रप सिस्टम बोलते थे उसको, जिसको प्रोविंस को सत्रप बोलते थे। देन रिलीजन में कई सारे चेंजेस आए। इसमें एक हिंदुइज्म, हिंदूज में एक वैष्णविज्म का ट्रेंड जो शुरू हुआ वो इस पीरियड से शुरू हुआ था, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो शिवा वर्शिप और विष्णु की वर्शिप ये जो मेजर ये थे। एंड कुशन रूलर्स बेसिकली एम्ब्रेस्ड वर्शिप बोथ शिवा एंड ऑल्सो बुद्धा, लेकिन कनिष्क ने ऑफिशियली बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था एंड उसने बुद्धिज्म को डेवलप करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल भी रखी थी कश्मीर में। ओके, फिर उसकी वजह से जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और ये सब की जो हमने अभी बात की थी ये सब उसी टाइम से आना शुरू हुआ। बुद्धिज्म स्प्लिट हुआ हीनयान और महायान में। अच्छा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइड में भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए थे एंड डेवलपमेंट्स, यानी उसका मेजर जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो मेडिसिन साइड में हुआ था। जो आज की डेट में हम आयुर्वेद वगैरह यूज करते हैं और वो आजकल काफी पॉपुलर भी हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज दिस ऑल स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, सिंस फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स। तो चरक संहित जो था वो उसमें कई सारे, आज की डेट में भी वो बाइबल है। तो चरक संहित भी एक बाइबल है आयुर्वेद की, और इस तरह से ये एक सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स का बहुत बड़ा प्रभाव इंडिया पे रहा है, ठीक है। नाउ देन कम्स द एज ऑफ सतवाहनास, ये एक अनादर पूरा हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम दैट वी विल डू